पहले भी हम उड़ीसा आए थे और यहाँ पर आए हैं। कल राज्य के अधिकारियों के साथ और ज़िले के अधिकारियों के साथ और परसों तमाम PSUs के साथ बैठक है और OBC वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने इसका गठन किया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, उसी निमित्त हम लोग आए हैं और रिव्यू करेंगे कि राज्य के अंदर और जो PSUs हैं उसके अंदर पिछड़ा वर्ग का जो संवैधानिक अधिकार है उसका कितना पालन किया जा रहा है। यहाँ पे राज्य सरकार के रिजर्वेशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे सर, इसे कुछ छोटा निश्चित रूप से जो चीज़ें हैं, जो संवैधानिक प्राविधान है उसका अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जनसंख्या के दौरान सब उड़ीसा सरकार डिमांड कर रहा है कि सबको अलग अलग जनसंख्या इस साल 2021 में गिनना कर चलना चाहता है। उड़ीसा सरकार क्या डिमांड कर रही है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा जो काम है, मेरी जो ड्यूटी है, जो संवैधानिक प्राविधान है उस प्राविधान का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी जांच करना, उसकी रिपोर्ट लेना। आपको क्या लगता है जनसंख्या के दौरान अलग अलग गिनना चाहिए कि जो OBC को अलग करने कर लीजिए, जनरल को अलग कीजिए, ऐसा होने से क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो आया हूँ जो संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है, सर संविधान में दिया गया है, उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करना और उसका रिपोर्ट प्राप्त करने के। सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत होगा? निश्चित रूप से बात होगा।